Hi friends, wish you a very very good morning. This is Mayushi Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IAS. So here it is 18th of October 2020 and we are going to take today's Hindu news and analysis. So here it is Sunday today and let's take it. The first news is based on Pranab Mukherjee, our former president of India, Mr. Pranab Mukherjee, who passed away on recent incidents, and here they went away by August. Now let's take what it is interesting about him and his story. Basically it is that before his pen went dry, इससे पहले कि उनका पेन सूख जाता, मतलब वो खुद जो है चले जाते, उससे पहले उन्होंने 1971 में प्रणब मुखर्जी ने 1971 के बारे में लिखा, मुजिफ फैमिली के प्रति प्रेम को दर्शाया और उनसे उनका जो रिलेशन था उसे शो करते हुए इंटरनेशनल टाइज को शो किया है. मतलब उनके मुजिफ फैमिली के साथ संबंधों का भारत और बांग्लादेश के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर, इस अपनी किताब के अंदर प्रणब मुखर्जी ने बताई है और इस आर्टिकल में कैरी करते हैं. इन 1971 अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टूड अप. 1971 में पार्लियामेंट का एक मेंबर जो है खड़ा होता है और इनिशिएट करता है डिस्कशन अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अकॉर्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अकॉर्ड करना चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहिए बांग्लादेश के साथ में. बांग्लादेश के टाउन मुजिबनगर में जैसी परिस्थिति चल रही है उसे देखते हुए प्रोविजनल सरकार के साथ में उसके हमारे संबंधों को सुधारने पर वर्क करना चाहिए. वाइल इट्स लीडर शेख मुजीबुर रहमान वॉज इन अ कराची प्रिजन. कराची प्रिजन के अंदर थे जबकि उनके शेख मुजीबुर रहमान, तो उसी को देख करके उन्होंने जो है इस बात को पार्लियामेंट में रखा. Now the MP, that is 36 years old Pranab Mukherjee, spoke at length about the precedents of intervention in world history and the brutal atrocities being carried out in Bangladesh and that necessitated Indian action. जिस तरीके के brutal actions और brutal condition जो बांग्लादेश में हुई थी उस समय हो रखी थी, उस समय भारत को कैसे उन्हें जो है उनके साथ संबंधों को सुधारने हेतु कार्य करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने उस किताब के अंदर डिस्कस की. आई एम टॉकिंग ऑफ अ पॉलिटिकल सिचुएशन. मैं एक पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ जिसका मतलब है कैटेगरीली रिकॉग्नाइज्ड द सोवरेन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश. नाउ पॉलिटिकल सिचुएशन मींस गिविंग मटेरियल हेल्प टू द डेमोक्रेटिक सोवरेन गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश. बांग्लादेश की डेमोक्रेटिक सोवरेन गवर्नमेंट को हेल्प की ज़रूरत है और उस समय हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, ये मैं इंडिकेट या शो करना चाहता हूँ. It is all about this, the lone foreign contributors, उनके मुझे फैमिली के साथ संबंधों और उसके अलावा शेख हसीना जो हैं उनके साथ में उनके काफ़ी हम कह सकते हैं वार्म कनेक्शंस रहे, वार्म टाइज रहे हैं मिस्टर प्रणब मुखर्जी के, और उसके साथ ही उन्होंने किस तरीके से अपनी किताब के अंदर अपनी मेमोरीज को उतारा है. पाकिस्तान आर्मी के सरेंडर कर देने पर ढाका में दिसंबर 1971 में, उसके बाद मुजिफ फैमिली के साथ क्या हुआ, मुजिफ फैमिली के साथ में किस तरह की घटनाएं घटित हुई, बांग्लादेश की एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते किस तरीके की सिचुएशंस उन्हें हैंडल करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी किताब में लिखी है. सो इट इज़ गुड टू नो अबाउट वॉट द लेट आई कैन से लेट फॉर्मर President said about that family, and it is obviously about the India and Bangladesh relations as well. Now let's take the next news. The next news is ensure speedy access to vaccine. Vaccine की तरफ जो हमारा access है, vaccine से हम कह सकते हैं वैक्सीन जो है वो जल्दी से हमें उस तक अपनी पहुँच जल्दी से जल्दी बढ़ानी होगी और उसे इंश्योर करना होगा. दैट वी नीड क्विक वैक्सीन, इट इज़ सेड बाय द मोदी. And focus on cold storage chains, distribution network and monitoring mechanism. PM directs officials. PM ने officials को direct किया है कि जल्दी से जल्दी उनका पूरा ध्यान जो है वैक्सीन के एक्सेस की तरफ बढ़ना चाहिए, वैक्सीन जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए. उसके लिए कोल्ड स्टोरेज चेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए, उस पर फोकस करते हुए PM नरेंद्र मोदी ने इस पर कार्य करने की ज़रूरत को बताया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को एक फुल प्रिपेयर्डनेस के साथ में जो है स्पीडी एक्सेस टू कोविड-19 वैक्सीन फॉर एवरी सिटीजन, ऐसा कहते हुए उन्होंने एक कॉल क्रिएट किया जिसके अंदर उन्होंने
सभी जो लिमिट रिलेटेड मेंबर्स हैं उन सभी को या रिलेटेड पर्संस हैं उन सभी को अलर्ट करते हुए कहा कि हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन तक अपनी पहुंच को बढ़ाना होगा। Ensure speedy access to vaccine, said Modi. Focus on the cold storage chains, distribution network and monitoring mechanism, PM directs official. Basically, जिस तरह की situation चल रही है, जिस तरीके से cases continuously बढ़ते चले जा रहे हैं, death cases continuously बढ़ते चले जा रहे हैं, death tolls बढ़ रहा है और recovery rates कम होती चली जा रही है, उन सभी को देखते हुए PM नरेंद्र मोदी जी ने recently जो है ये फरमान जारी किया, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, स्टोरेज चेंज और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर ध्यान बढ़ाने को, और सारे जो रिलेटेड कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन सभी को इसकी तरफ वर्क करने और फोकस करने को कहा है। ठीक है, और ये कहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को के एक्सेस को इंश्योर करना है हमें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सैटरडे को एक फुल प्रिपेयर्डनेस के साथ को इंश्योर करते हुए कोविड 19 वैक्सीन हर सिटीजन तक पहुंचे ये इंश्योर करने की बात कही है। अपने जितने भी मिनिस्ट्री है मेंबर्स हैं या जो जो भी रिलेटेड कंसर्न मेंबर्स हैं उन सभी से चेयरिंग अ मीटिंग टू रिव्यू द पेंडेमिक सिचुएशन इन द कंट्री। कंट्री में पेंडेमिक सिचुएशन की के सिचुएशन का जो है जायज़ा लेने के लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी मिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। उन्होंने डायरेक्टेड दैट एवरी स्टेप इन द लॉजिस्टिक, हर स्टेप जो लॉजिस्टिक डिलीवरी और एडमिनिस्ट्रेशन पर बेस्ड हो वो प्रॉपरली होना चाहिए। इन सभी पर वर्क करना है प्रॉपर एडवांस प्लानिंग के साथ में, कोल्ड स्टोरेज चेन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और मॉनिटरिंग को पूरी तरीके से उसके फोकस को ध्यान में रखते हुए, मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए उसके अपने फोकस को उसकी तरफ बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी नेटवर्क बढ़ाते हुए वैक्सीन अवेलेबल करवाइए और एक्सेस पहुँचाइए, एक्सेस कीजिए। डॉक्टर रेड्डीज गेट नॉड फॉर स्पुटनिक वी ट्रायल। फार्मा मेजर डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी एंड रशियाज सोवरेन वेल्थ फंड RDIF हैव रिसीव्ड approval from the Drugs Controller General of India to conduct an adaptive phase of 2x3 human clinical trials for the Sputnik V vaccine in India. It is the world's first registered vaccine against COVID-19. Okay, so ultimately हम कह सकते हैं वैक्सीन की तरफ जो हमारी दौड़ है या हमारी जो हम कह सकते हैं वर्क है वैक्सीन की तरफ वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं ये हमारी ज़रूरत भी है कि हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन तक अपनी पहुंच बढ़ाएं। जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो सभी ये ध्यान रखें या इस बात पर वर्क करें कि जल्दी से जल्दी किस तरीके से वैक्सीन अवेलेबल हो सकती हैं और उस वैक्सीन के थ्रू इस COVID-19 का जो कहर हमारे ऊपर छाया हुआ है उसे रिमूव किया जा सके। ठीक है, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट। न्यूजीलैंड PM एडन विंस हिस्टोरिक री इलेक्शन हुए हैं न्यूजीलैंड में, और अगेन PM जो है जैकिंडा एडन डिलीवर द बिगेस्ट इलेक्शन विक्ट्री फॉर हर सेंट्रल लाइफ लेबर पार्टी इन हाफ अ सेंचुरी ऑन सैटरडे एज वोटर्स रिवॉर्डेड हर फॉर अ डिसीजिव रिस्पॉन्स टू द कोविड 19 पेंडेमिक की तरफ अपने डिसीजिव रिस्पॉन्स को देखते हुए हिस्टोरिक री इलेक्शन जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे और उसमें भी उन्होंने अपनी जीत हासिल की है, जीत सुनिश्चित की है PM एडर्न ने। सो इट इज़ सच अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट लेबर पार्टी सेट टू विन 64 of 120 सीट्स। So ultimately it is a very historical moment for New Zealand where the re-elections were held and Labour Party individual that is PM Ardern win the elections. Okay, so it is all about it. The next let's take it, activist push for release of Stan Swamy. Okay, now that is not that much important. 76% of rural Indians can't afford nutritious diet. हमारे देश के करीब 76 रूरल इंडियंस ऐसे हैं जो कि एक न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड नहीं करते। 3 out of 4 रूरल इंडियंस के नॉट अफोर्ड न्यूट्रिशियस डाइट अकॉर्डिंग टू द पेपर रिसेंटली पब्लिश्ड इन जर्नल फूड पॉलिसी। रिसेंटली जर्नल फूड पॉलिसी द्वारा पब्लिश किए गए एक पेपर में ये डेटा आया है कि इंडिया के करीब रूरल एरिया में हर तीन जो व्यक्ति है चार में से वो
एक न्यूट्रिशियस डाइट अफोर्ड ही नहीं करते. सो यू कैन सी इमेजिन देयर वाज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ दिस कंट्री, वाज द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑफ दिस कंट्री एंड हाउ वी आर सर्वाइविंग इन दिस टाइप ऑफ एटमोसफियर वेयर वी डोंट इवन अफोर्ड अ न्यूट्रिशियस लाइफ. एंड इवन दिस इज नॉट द वेरी लो डेटा, 76% ऑफ पब्लिक इज नॉट डूइंग सो, और वी कैन से दे आर नॉट अफोर्डिंग सच अ न्यूट्रिशियस डाइट. ओके, so yeah, here it is also a good news. Lashkar-e-Taiba, that is Lashkar-e-Taiba Lashkar IED expert killed in Anantnag. Lashkar-e-Taiba militant jo hai, who was the outfit's improvised explosive device expert, वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो मारा गया है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है साउथ कश्मीर के अंदर अनंतनाग में उनके द्वारा सैटरडे को. द टेररिस्ट वाज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू सरेंडर, टेररिस्ट को कहा गया कि वो सरेंडर कर दे, लेकिन जब उन्होंने सरेंडर नहीं किया तो उन्हें वहीं पे शूट आउट कर दिया गया. इन द इंशुइंग इनकाउंटर वन फॉरन टेररिस्ट वॉज किल्ड, आई जी विजय कुमार ने कहा कि फॉरन टेररिस्ट अटैक के तहत ये इंश्योर किया उन्होंने कि इस एक टेररिस्ट की डेथ हो चुकी है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. लेट्स गो फॉर दी नेक्स्ट वन. ओके, इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, लेट्स गो फॉर इट. Here it is the next important another news, that is IISER Pune uses smell to identify asymptomatic cases. As you all know कि COVID-19 के cases दोनों तरीके के आ रहे हैं, जिसके अंदर symptomatic भी है और asymptomatic भी है. जहाँ पे symptoms नज़र आ रहे हैं वहाँ पे easily जो है उनको carry किया जा सकता है और पता लगाया जा सकता है कि वो COVID patient है या नहीं, और COVID patient है भी तो उनके जो सिम्टम्स है उसके बेसिस पे उन्हें ट्रीट किया जा सकता है. बट अल्टीमेटली इफ़ अ कोविड पेशेंट इज़ हेयर, कोविड पॉजिटिव पर्सन है और उसके अंदर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो उनके लिए पुणे के अंदर जो है IISER जो है इंस्टीट्यूशन, वहाँ से इसे रिसेंटली इस पर वर्क करते हुए स्मेल को यूज़ किया जा सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसा इन्होंने बताया है. Now, a custom-built olfactory action meter helped identify people infected with the virus but with no symptom, typical symptoms, not loss of smell, which is one of the symptoms that people infected with novel coronavirus shows. देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आपको एक कोरोना वायरस पेशेंट में नज़र आता है कि वो स्मेल खो देते हैं, मतलब अपने जो सेंसेस है स्मेल को लेकर के वो खो देते हैं. उन्हें पता नहीं चलता क्या स्मेल आ रही है क्या नहीं आ रही है, उनको कोई आइडिया नहीं होता है. कैन बी क्विकली एंड एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग अ नोवल मेथड डेवलप्ड बाय रिसर्चर्स एट IISER पुणे. IISER पुणे में रिसर्चर्स द्वारा ऐसा मेथड डेवलप किया गया है जिसके थ्रू आप क्विकली और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं कि सामने वाला कोविड पेशेंट है या नहीं. यूजिंग अ कस्टम बिल्ड ऑल्फैक्ट्री एक्शन मीटर, इन्होंने कस्टम बिल्ड ऑल्फैक्ट्री एक्शन मीटर बनाया है जिससे कि इजीली स्मेल आ रही है या नहीं आपको, या स्मेल सेंसेस वर्क कर रहे हैं या नहीं, उसके बेसिस पे आपको कोविड है या नहीं और उसके क्या सिम्टम्स है, किस लेवल पे है, किस स्टेज पे है, ये सारी चीज़ें इसके द्वारा बताई जा सकेगी. ओके, सो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग टू गो थ्रू इट एंड डेफिनेटली, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं हम लोग जो कि सिम्टम्स नहीं शो कर रहे हैं, या काफ़ी ऐसे केसेज है जो सिम्टोमेटिक हैं. तो अल्टीमेटली टू फाइंड आउट द सिम्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल दे गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट. ओके, वी आर गोइंग टू टेक FAQs. जगन वर्सेस जजेस, व्हाट इट इज़, व्हाट कैन CJI बोबडे डू अबाउट चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट जजेस बाय द आंध्र प्रदेश CM. आंध्र प्रदेश CM द्वारा जो चार्जेस जज किए गए हैं अगेंस्ट जज, जो भी चार्जेस लेवल्ड किए गए हैं उनके बारे में CJI बोबडे का क्या कहना है और वो क्या करते हैं उसके बारे में बताया गया. आंध्र प्रदेश CM YS Jagan Mohan Reddy has stirred the hornet nest by writing on the CJI complaining about Supreme Court Judge Justice N.V. Ramanna for allegedly influencing posting
of cases in the state high court and alleging that some high court judges are hostile to his government and are deliberately striking down his regime decisions and orders. In effect, he has accused many judges of misconduct, corruption and political bias. देखिए जो सी एम है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने जो है काफ़ी सारे हाई कोर्ट्स को पॉइंट आउट करते हुए उनकी लापरवाही, उनकी जो जिस तरीके से वो काम को आगे डाइवर्ट कर देते हैं और जिस तरीके से उनकी आदत सी बन चुकी है जो करप्शन या इन सारी चीज़ों को मिसकंडक्ट या पॉलिटिकल बायस में के कारण जिस तरीके की सिचुएशन बन रही है और उसकी इन सब चीज़ों के कारण जो इफ़ेक्ट हाई कोर्ट और उनके जजेस पर पड़ रहा है और उसकी वजह से जो डिसीजंस है या जो मैटर्स हैं उनके ऊपर पड़ रहा है, उस पर से इन्होंने वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने पॉइंट आउट किया है उसे. नाउ द क्वेश्चन अराइज अबाउट व्हाट कैन बी डन आफ्टर दिस सीरियस कंप्लेंट. ये जो बहुत ही सीरियस कंप्लेंट की गई है जुडिशियल सर्विसेज के अगेंस्ट, तो उसके लिए सीरियसली क्या किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए और हाई कोर्ट जजेस को किस तरीके से उन्हें ट्रीट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं. हाउ आर एलिगेशंस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट जजेस डील्ड विद. अगर देखिए अगर लोग आम जन जो जिस तरीके की हरकतें करते हैं या अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है. लेकिन अगर कोई जज जो है या हमारा जुडिशियल सिस्टम ही इस तरीके से वर्क करेगा तो उसको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए, ये आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर ही डिपेंड करता है. नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ मिसकंडक्ट विल वॉरेंट इम्पीचमेंट, देयर कुड बी अदर काइंड्स ऑफ इम्प्रोप्राइटरी टू. दीज आर टाइम्स there are times when serious complaints of this sort are received and CJI is called upon to examine them. Now, since 1997, judges have adopted an in-house procedure for inquiring into such charges. तरीके से के charges को inquire करने के लिए in-house procedure build up किया था 1997 के अंदर adopt किया गया था. But ultimately, अभी judges क्या करते हैं, अभी CJI द्वारा क्या step लिया जाता है और किस तरीके से Supreme Court इसे deal करता है, ये सारी चीज़ें आगे देखने की होगी. Okay? When was the procedure adopted? ये procedure कब adopt किया गया, 1997 के अंदर after Justice J.S. Verma took over a Chief Justice of India, that is CJI की पोस्ट जे एस वर्मा ने जब अडॉप्ट की थी, वो पोस्ट लेने के बाद में 1997 के अंदर उन्होंने एक जजमेंट सर्कुलेट किया था, एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट किया था, दैट वाज अबाउट रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ. दिस वाज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स थे कि किस तरीके से जजेस को बिहेव करना है, किस तरीके से आइडियल बिहेवियर जो है पेश किया जाता है एसेंशियल एलिमेंट के तौर पर, ये सारी चीज़ें उस प्रिंसिपल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर कंपाइल की गई थी. द फुल कोर्ट पास्ड अ रेजोल्यूशन दैट एन इन हाउस प्रोसीजर वुड बी अडॉप्टेड फॉर एक्शन अगेंस्ट जजेस फॉर एक्ट्स ऑफ फॉर कमीशन ऑफ कमीशन और ओमिशन दैट गो अगेंस्ट दीज वैल्यूज. अ फाइव जज कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड टू कम अप विद अ प्रोसीजर. इट्स रिपोर्ट वॉज अडॉप्टेड ऑन 15th of December 1999 एंड इट वॉज मेड पब्लिक इन 2014 में से पब्लिक किया गया 1999 15 दिसंबर को अडॉप्ट किया गया इस रिपोर्ट को. एंड डेफिनेटली फाइव जज कमेटी के बैठते हुए इस पूरी सिचुएशन को इस प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया, इन हाउस प्रोसीजर का प्रोसेस जो है वो पास किया गया, एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें इन हाउस प्रोसीजर को कंटिन्यू करने और एक्शन में लाने की बात कही गई. हाउ डज द इन हाउस प्रोसीजर वर्क. अब इन हाउस प्रोसीजर कैसे वर्क करता है, जब भी एक कंप्लेंट रिसीव होती है हाई कोर्ट जज के अगेंस्ट CJI को, तो उसे कंसीडर करेगा डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेरिट्स ऑफ द सब्सटेंसिव डिसीजन इन अ जुडिशियल मैटर. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मेरिट्स ऑफ सब्सटेंसिव decision in a judicial matter where or it does not involve any serious misconduct or impropriety. तो ultimately कोई serious misconduct या impropriety तो handle नहीं कर रहा है, ये चीज़ CJI खुद देखेगा. And then if it is serious, अगर ये serious matter है, CJI should get the judge's response. CJI जो है वो judges को response करेंगे and he satisfied with the मैटर, ही मे क्लोज द मैटर इफ़ ही इज सेटिस्फाइड विद द रिस्पॉन्स. अगर वो जो रिस्पॉन्स जजेस द्वारा आया है वो रिस्पॉन्स से अगर सेटिस्फाई है तो उस मैटर को वहीं क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो फर्दर आगे उसके ऊपर और एक्टिविटी की जा सकती है और एक्शंस जो है लिए जा सकते हैं CJI द्वारा.
ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल. आगे भी इसी आर्टिकल को एक्सपांड करके बताया हुआ है कि CJI जो है वो क्या एक्शन लेंगे अगेंस्ट YS जगनमोहन रेड्डी की जो कंप्लेन है ये उसको एग्जामिन करते हुए CJI ने किस तरीके से एक्शन लिया है, क्या एक्शन लेंगे. द कंप्लेंट बाय YS जगनमोहन रेड्डी विल हैव टू बी एग्जामिन, उनकी कंप्लेन को एग्जामिन किया जाएगा CJI द्वारा एंड ये देखा जाएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ रिजेक्शन और बेसलेसनेस इफ इट रिक्वायर्स अ डीपर इन्वेस्टिगेशन. इस ये जो उनकी कंप्लेन है वो बेसिकली रिजेक्शन जो है उसको रिक्वायर्ड है या फिर इसके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्ड है, या तो ये बेसलेस है या इसे रिजेक्ट किया जाना चाहिए या फिर इसके ऊपर और ज़्यादा डीप इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए. ये सारी चीज़ें हमें तब पता चलेगी जब YS जगनमोहन रेड्डी की कंप्लेन को CJI द्वारा एग्जामिन किया जाएगा एंड इट इज़ डेफिनेटली इन आर लॉज अबाउट इन हाउस प्रोसीजर. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ बेस्ड ऑन री इन्वेंटिंग ऑक्शंस ऑफ द रियल वर्ल्ड. रियल वर्ल्ड के ऑक्शंस को री इन्वेंट करने की बात कही गई है. नोबल विनर्स जो हैं इस साल के इकोनॉमिक्स के, उन्होंने ऑक्शन थ्योरी इन्वेंट की है. अब ऑक्शन थ्योरी क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ. अमेरिकन इकोनॉमिस्ट पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट बी विल्सन दोनों ने साथ मिलकर के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते पढ़ाते 2020 में उन्हें इकोनॉमिकल नोबल प्राइज़ से नवाजा गया है पिछले हफ्ता. दिस ईयर्स स्विराइज रिक्सबैंक Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel was awarded to the duo. इन दोनों को जो है इस साल का नोबल पुरस्कार जो है इकोनॉमिक के क्षेत्र में दिया गया है. एंड फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट. ऑक्शन थ्योरी के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स है वो करने के लिए और एक नई ऑक्शन फॉर्मेट को जारी करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए उन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है. द नोबल प्राइज कमिटी नोटेड दैट डॉक्टर मिलग्रोम एंड डॉक्टर विल्सन डिड नॉट कम अप विथ ओरिजिनल आइडियाज इन ऑक्शन थ्योरी बट दे ऑल्सो प्लेड अ क्रूशियल रोल इन इम्प्लीमेंटिंग देयर आइडियाज. उन्होंने सिर्फ ऑक्शन थ्योरीज के प्रति जो आइडियाज थे अपने उन्हें ही इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि उसकी क्रूशियल थ्योरी को स्टडी करते हुए उसे भी उस पर भी उन्होंने वर्क किया. नाउ व्हाट इज ऑक्शन थ्योरी. ऑक्शन थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसके अंदर डील किया जाता है, एज अ नेम सजेस्ट, ऑक्शन, ऑक्शंस पर डील किया जाता है. अब ऑक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक्स बिकॉज दे आर द मोस्ट वाइडली यूज एंड ऑल्सो द मोस्ट इफिशियंट मैकेनिज्म टू अलोकेट स्कार्स रिसोर्सेज. स्कार्स रिसोर्सेज को अलोकेट करने के लिए एक बेस्ट और एफिशियंट वे है क्या, ऑक्शंस. The allocation of scarce resources in turn matters to economists because there is a limited supply of resources on earth. Earth पे resources की supply बहुत limited है और जब उसे compare किया जाना चाहिए unlimited अगर human need से तो उसको एक बहुत भारी मात्रा में fulfill किया जाता है auction द्वारा. तो auction theory अपने आप में एक बहुत बड़ी theory है जो कि relevant है या नहीं, किस तरीके से work करती है, इन economists का इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है और auction theory किस level पर work करती है और वास्तविकता में एक रियल वर्ल्ड के लिए ऑक्शंस को री इन्वेंट करने की बात कही गई है. अब इन नोबल विनर्स को इकोनॉमिक क्षेत्र में ऑक्शन थ्योरी डिस्कवर करने के लिए ऐसा क्या उन्होंने किया है, ऐसा क्या वर्क दिखाया ऑक्शन थ्योरी में जिसके तहत उन्हें ये नवाजा गया है इस पुरस्कार से, नोबल पुरस्कार से, तो ये इस पूरा आर्टिकल में कैरी किया गया है जिसे हमने डिस्कस किया. ठीक है, so whether it is the auction of spectrum waves or the sale of fruits and vegetables, auctions are at the core of allocation of scarce resources in the market economy. किसी भी market economy में जो basics होता है या हम कह सकते हैं जो scarce resources को allocate करने का एक core area जो है वो auctions cover करते हैं. so it is all about it. auctions को importance देते हुए, auctions की importance को बताते हुए auction theory को invent किया गया है इन दोनों व्यक्तियों द्वारा, इन दोनों economists द्वारा जिन्हें हाल ही में पिछले सप्ताह नोबल प्राइस से नवाजा गया है. द नेक्स्ट आर्टिकल इज बेस्ड ऑन सरफेस सेंस इन टेनिस एंड प्लेयर स्किल सेट्स. व्हाट एक्सप्लेन नडाल्स, राफेल नडाल्स डोमिनेंस ऑन क्ले. क्या ऐसी बात है जिसके कारण नडाल का जो है डोमिनेंस शो होता है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में. फेडरर्स मास्टरी ऑन ग्रास, फेडरर की मास्टरी जो है ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर शो होती है. और नोवाक जोकोविच की पावर हार्ड कोर्ट के अंदर.
ठीक है, तो ऐसा क्या है जो उनके डोमिनेंस, मास्टरी और पावर को शो करता है और इतने लंबे समय से, काफ़ी फ्रेंच ओपन की बात ले लीजिए आप, जो है लास्ट संडे जो फ्रेंच ओपन हुए थे फाइनल्स, उसके अंदर भी रोलैंड गैरोस क्राउन जो है 13th जो रोलैंड गैरोस है क्राउन है वो एक्सटेंड किया गया, रिकॉर्ड एक्सटेंड, एंड इट वॉज अर्नड बाई नोवाक जोकोविच, वर्ल्ड्स नंबर वन फ्रेंच ओपन. ही डिफीटेड रफाल नडाल्स कॉम्प्रिहेंसिव डिफीट ऑफ वर्ल्ड नंबर वन नोवाक जोकोविच. सो अल्टीमेटली इनका बेसिकली नडाल का क्या डोमिनेंस है, किस तरीके से वर्क करता है, फेडरल की मास्टरी जो है और जोकोविच की जो पावर है, उन सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है. इस पूरे आर्टिकल के अंदर यही डिस्कस किया गया है कि उन लोगों का ऐसा क्या स्किल सेट्स हैं उनके, जो उनको इस एरिया में, हम कह सकते हैं टेनिस के क्षेत्र में, सरफेस साइंस के बारे में बताता है. अब आप देखिए, अगर ग्राउंड की बात की जाए, घास के ऊपर खेलने की बात की जाए, तो फेडरर की मास्टरी है. वही अगर क्ले के ऊपर बात की जाए तो नडाल की डोमिनेंस है. वहीं पे अगर जोकोविच की बात की जाए तो वो उनकी पावर है हार्ड कोर्ट के ऊपर. सो इसका क्या लॉजिक है, आई मीन सरफेस एरिया क्या अपना रोल प्ले करता है किसी भी प्लेयर के लिए, या सरफेस एरिया के ऊपर आपकी कमांड किस लेवल पे आपको लेकर जाती है, या कितने अवॉर्डेड एरियाज में कवर करते हैं आप, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दर्शाई गई है कि ये सारी टेक्नोलॉजी को कैसे इम्प्रूव किया जाने की ज़रूरत है, या कैसे स्किल्स को सेट करने की ज़रूरत है प्लेयर के, जो कि उनको सरफेस साइंस समझा सके. सरफेस साइंस बहुत वैल्यू रखता है, मैं आपको बताती हूँ, बहुत वैल्यू रखता है. अगर आप कोई बहुत अच्छी मूवी भी अगर देखेंगे, अगर आप देखेंगे कि कोई चक दे इंडिया ले लीजिए, या आप कोई बहुत अच्छी मूवी ले लीजिए जो कि स्पोर्ट्स या टूर्नामेंट्स पर बेस्ड है, कोई बहुत वर्ल्ड क्लास अवार्ड पर बेस्ड है, स्ट्रगल पर बेस्ड है, तो आप देखेंगे कि एक सरफेस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कहीं ना कहीं हम देखते हैं नेगेटिव रोल्स आ रहे हैं और बिल्कुल जो है प्लेयर के कुछ कांटे लगा दिए हैं, ये कर दिया वो, बहुत सारे नेगेटिव रोल्स, तो और उन या फिर उनके जूते चेंज कर दिए, तो ऐसा क्या होता है जो उनको सरफेस से कनेक्ट करके रखता है और सरफेस उन्हें जीतने में मदद करता है. तो सरफेस पर आपकी क्या है जो पकड़ है, और सरफेस क्या रोल प्ले करता है, उसका क्या साइंस क्या है उसके पीछे, ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं. इम्प्रूवमेंट इन रैकेट टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉट सरफेस क्लोजर. रैकेट टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट के से जो है सरफेस और भी करीब आ गया है. कंपेयर टू यस्टर ईयर्स स्मॉल रैकेट्स विथ क्लियरली डीमार्केटेड स्वीट स्पॉट्स The large-headed modern versions have made hitting through the court easier. So it is all about it. Surface का connection आपके equipment से, technological जो आपके पास equipment है उनसे, technology से, और technology की कहाँ need है, और किस तरीके से आपके combination, आपकी जो आप जो भी racket use में ले रहे हैं उसका, और आपके surface की combination से आपको किस level तक ले जाया जा सकता है, और आपकी इन दोनों चीज़ों पर पकड़ आपको कहाँ तक ले जाती है, वो सारी चीज़ें इस article में डिस्कस की गई. ठीक है, सो वी हैव डिस्कस सरफेस साइंस इन दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. एंड अ वर्क इन प्रोग्रेस कैंपेन फॉर राइट्स. द यूएन एजेंसी इज लीडिंग द ग्लोबल फाइट फॉर ह्यूमन राइट्स. ग्लोबल फाइट्स जो है ह्यूमन राइट्स के लिए, जो अभी काफ़ी चैलेंजेस देख रहे हैं, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन भी जहाँ देखने को मिल रहा है, उसके खिलाफ यूएन एजेंसीज जो है लीड कर रही है. ग्लोबल लेवल पे फाइट को लीड करते हुए यूएन एजेंसीज इस पर वर्क कर रही है. एंड वॉट इज़ द वर्क इन प्रोग्रेस रिगार्डिंग दीज राइट्स. वॉट इज़ द कैंपेन ऑफ फॉर राइट्स. एंड देयर हैज़ ऑलवेज बीन अ टेंशन बिटवीन द वेस्ट दैट लेज एम्फेसिस ऑन पॉलिटिकल राइट्स and developing world that has laid greater emphasis on socio-economic rights. देखिए, rights जो है socio-economical क्षेत्र में होते हैं, political क्षेत्र में होते हैं, social क्षेत्र में भी ज़रूर होते हैं. तो socio-economic rights और political rights के बीच में हमेशा से एक जंग रही है, चाहे वो किसी भी देश का ले लीजिए, किसी एक सोसाइटी का ले लीजिए, या किसी विश्व स्तर पर जो है प्लेटफॉर्म की बात करें हम लोग, तो अल्टीमेटली इन दो चीज़ों में हमेशा से जंग रही है. और उसी के बीच में कैसा क्या कार्य चल रहा है जिसके चलते राइट्स, अधिकारों को जो है उसका जो कैंपेन है उसे फुलफ़िल किया जा सके, या हम कह सकते हैं कैसे उस पर वर्क किया जा रहा है, यूएन एजेंसी कैसे वर्क कर रही है जिससे कि मानव अधिकारों के
के लिए जो है लड़ा जा सके, उनके खिलाफ एक जंग है जिसे जीता जा सके. इसके लिए यूएन एजेंसी इज़ वर्किंग फॉर दिस एंड इट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. उम्मीद करती हूँ आपको चीज़ समझ में आ गई होगी. एंड इसके अलावा कोई बहुत खास आर्टिकल्स आज की न्यूज़ में है नहीं. हाँ, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है, दैट इज़ CSK won yesterday आई थिंक. एंड इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग क्योंकि CSK से काफ़ी प्रेम नज़र आता है मुझे लोगों का. एंड IPLs आर गोइंग ऑन, वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट हेयर इट इज़. एंड काफ़ी इस COVID-19 के चलते, स्ट्रेसफुल माइंड के चलते, IPL अपने आप में एक बहुत अच्छा डोज है, हम कह सकते हैं इंटरेस्ट का, या हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल का, है ना, एनर्जी क्रिएट करने का. सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. The important articles has been covered. इसके अलावा अगर कुछ भी रह जाता है, कोई important article रह जाता है, तो आप मुझे comment section में बताइए. We will definitely go through it, we will discuss about it, and we will definitely take it in a different or separate session. इसके अलावा हम एक नया एक system launch करने जा रहे हैं, एक नया आपको जो है series provide करवाएंगे, जो आपको 2021 UPSC clear करने में help करेगा. इतना ही नहीं, 2020 के मेंस एग्जाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होगा. सो बने रहिए हमारे साथ में और एंजॉय कीजिए स्टडीज़ को. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो ऑल्सो. इसके अलावा हम जो वीडियोस लॉन्च करने जा रहे हैं उनकी तरफ अपना ध्यान ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हम कह सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी मटीरियल आपको अवेलेबल होने वाला है. सो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, हैव अ हैप्पी संडे.